बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 7 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। सवाल आप देख सकते हैं, सिंपलीफाई हल करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आनी है। ठीक, तो यहां आप देख सकते हैं प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस ब्रैकेट, ये सारे जो ऑपरेशंस है वो उन्होंने दिया हुआ है, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है। तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ से करना है या यहाँ से या बीच में से, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, एक मेथड है। उस मेथड को, उस तरीके को बोडमास मेथड कहा जाता है, BODMAS बोडमास कहा जाता है, बोडमास रूल या बोडमास मेथड भी आप कह सकते हैं। तो इस मेथड के जरिए आपने इस तरह के सवाल को सोल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी एक ही टर्म में लेकर आने हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि ये जो पहला आपको नजर आ रहे हैं बी, इसका मतलब होते हैं ब्रैकेट। अगर आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट मौजूद हो तो उस सूरत में आपने ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, फिर जब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो ख़त्म हो जाए सॉल्व करके, तो आपने बाहर फिर बाद में बाहर वाले के साथ प्लस करनी हो, माइनस करनी हो, जो भी करनी हो वह बाद में करेंगे। ठीक, तो पहला काम आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। इसके बाद ऑर्डर या ऑफ कहा जाता है, तो ऑर्डर और ऑफ, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो उसको आपने ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो उसे ऑफ कहेंगे। या ऑर्डर पावर में भी आ सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 5 हो तो इसको आपने पहले सॉल्व करना है। ठीक, इसके बाद आपने डिवाइड को सॉल्व करना है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, तो यहाँ डिवाइड को आपने पहले सॉल्व करना है, बाकी मल्टीप्लाई और प्लस को बाद में। आप यहाँ से पहले प्लस को करके फिर मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, इस रूल के ख़िलाफ़ है वो। ठीक, तो प्लस आप पहले नहीं करेंगे, पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है, जो भी इसका आंसर आएंगे उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद ऐड करनी है, फिर इसके बाद अगर सब्ट्रैक्ट हो तो आखिर में आपने माइनस कर देनी है। तो इसको हम बोडमास यानी BODMAS रूल कहा जाता है, समझ गए। तो जब भी इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए, प्लस माइनस ज़रब तकसीम ब्रैकेट ऑफ ऑर्डर सारे मौजूद हो, तो उस सूरत में आपने बोडमास का इस्तेमाल करके ही आपने सॉल्व करना है, ना कि आप इधर से आप सॉल्व करेंगे और ना ही आप किसी भी दूसरे जगह से आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप इस रूल को ज़रूर फॉलो करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपने इनको डायरेक्ट वही चीज़ जो दिया हुआ है वो लिखना है, यहाँ डिवाइड दिया हुआ है तो इसको आपने पहले सॉल्व करना है, 2.05 डिवाइड बाई 0.5, तो बाकी हम सेम टू सेम वही लिखेंगे जो दिया हुआ है, प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाई। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, या आप इसको साथ साथ यहाँ सॉल्व करते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको रफ पर सॉल्व करके इन दोनों के डिवाइड के जो आंसर है इसको आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, तो इसको डेसिमल को हटा के आप सॉल्व कीजिएगा, ना कि आप जो सिंबल है इसका यूज़ करके इसको अंदर इसको बाहर लिखेंगे, तो ये दो पॉइंट दोनों के साथ पॉइंट होने की वजह से एरर हो सकते हैं, गलती हो सकते हैं। इसके लिए आप पॉइंट को हटा के, जैसे कि 205 है तो इसके लिए 205 पॉइंट को हटा के मैं नीचे 1 लिखूंगा, 2 डिजिट है तो 100 लिख सकता हूं। इसके बाद डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय पॉइंट को हटा के 1 डिजिट है तो 10 लिखूंगा। अब इसको भी मजीद सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर आएंगे और 5 नीचे। ठीक, अब आपका सर काटेंगे तो 10 से 10 10 10 तो 100 और 5 1 5 5 4 और 5 1, तो आप देख सकते हैं 41/10 आ चुके हैं। अब आप इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो एग्जैक्ट आपका आंसर मिल जाएंगे, 10 चुके 40, और यहाँ से माइनस कर दो तो 1 और पॉइंट यूज़ करेंगे 1 0 यहाँ लिखने के बाद 10 से कम 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.1 इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आ चुके हैं, जो कि आपने यहाँ लिखना है। ठीक, तो इन दोनों का आंसर 4.1 आ गए। अब यहाँ से डी हो चुके हैं यानी डिवाइड कर चुके हैं, अगला आपने मल्टीप्लाई करना है अगर हो तो यहाँ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, बाकी आप सेम टू सेम वही लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद
साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए 4.1 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ आप कर सकते हैं 3 1 3 और पॉइंट यूज़ करेंगे एक ही डिजिट की है तो 3 4 12 तो 12.3 आपका इन दोनों का आंसर होंगे 12.3 समझ गए। इसके बाद आपने प्लस कर देनी है जो कि लास्ट वन है। अब प्लस करने के लिए पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखेंगे आप यहाँ, इसके बाद आगे जो भी नंबर होंगे वो आगे लिखेंगे, इस तरफ जो भी होंगे वो इस तरफ तरतीब में लिखने के बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पॉइंट आएंगे, यहाँ 5 और 5 3 4 5 और 2 और 1 ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 और 0.55 आपका आंसर होंगे इसको सॉल्व करने के बाद ठीक। इसको मज़ीद आप सॉल्व नहीं कर सकते तो इसका मतलब यही सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे यानी सिंपलीफाई होंगे ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब इसमें बोथमास रूल के मुताबिक आपने पहले डिवाइड को पहले सॉल्व करना है तो 2.5 डिवाइड बाय 0.5 इसका जो आंसर है वो आप निकालेंगे। तो इसके लिए रफ पर आप इस तरह से 25/10 और डिवाइडेड बाय 5/10 में से लिख सकता हूँ। इसको कसर करने के लिए मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 10 ऊपर आएंगे 5 नीचे, 5 1 द 5 5 5 25 10 1 द 10 10 1 द 10 तो इसका मतलब 5 1 द 5 और 1 यानी 5 ही आएंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेंगे 5 समझ गए। बाकी आपने सेम टू सेम वही लिखना है जो कि दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5। ये याद रखिएगा कि सॉल्यूशन लिखने के बाद इसी को दोबारा से एक दफ़ा आपने लिखना है एग्ज़ाम में। अब यहाँ से कौन सा वाला जो दो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जो होंगे बोथमास रूल के मुताबिक जो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, 5 ऐसे ही हम लिखेंगे ठीक। तो 4 को अगर 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 5 20 और 4 2 8 9 10 ठीक। इसके बाद एक डिजिट के बाद आप पॉइंट यूज़ करते हैं जो कि आप जानते ही है तो प्लस 10 होंगे। अब इन दोनों को प्लस आप कर सकते हो, 15 आपका आंसर होंगे ठीक। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं 14 + 2 / 4 - 0.5 × 3 तो इसको सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ से एक दफ़ा दोबारा इसको लिखेंगे। अब किस टर्म को पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड वाले को, तो यहाँ से 14 प्लस में ऐसे ही लिखूँगा इन दोनों का आंसर जो है वो यहाँ लिख के बाकी सारे जो टर्म है वो यहाँ ऐसे ही लिखेंगे ठीक। तो 2 / 4 है मतलब 2 / 4 इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ ये कम हो रहे हैं तो 0 पॉइंट यूज़ करूँगा, 0 1 इजाफी यहाँ लूँगा तो 4 5 6 20 और इसके बाद माइनस कर दूंगा तो ये 0 आएंगे। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 0.52 / 4 का आंसर आएंगे। इसके बाद -0.5 और × 3 ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ से अब मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस को बाद में, प्लस को फिर इसके बाद लास्ट में माइनस करेंगे ठीक। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ से 0.3 को 0.5 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 3 15 तो 1 3 0 0 1 प्लस कर देंगे तो 1 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 आपको आंसर मिलेंगे ठीक। अब क्या करना है, प्लस को प्लस कर देंगे यकीनन इन दोनों को। तो प्लस करने के लिए 14 + 0. तो 14.00 ये यहाँ है ना, तो 0 पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखना है, 5 इस तरह से लिखेंगे फिर प्लस कर देंगे तो 0 यहाँ से 5 आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आएंगे 14 और 0.5 समझ गए। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 14.5 आंसर आएंगे -1.5। अब 14.5 में से 0.5 यानी 1 इस तरफ 5 उस तरफ जाएंगे तो माइनस कर देंगे, 5 में से 5 निकाल दूँ तो 0, 4 में से 3 निकाल दूँ सॉरी 1 निकाल दूँ तो 3 और 1 ऐसे ही नीचे आएंगे तो ये आपका फाइनल आंसर होंगे 13.0। तो 0 लिखना चाहो तो लिखिएगा पॉइंट के बाद, अगर नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। तो ये आ गया आपके पास आंसर ठीक।
अगला आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 9 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 0.3 माइनस 1। आप इसको दोबारा से एक बार लिखने के बाद यहाँ सॉल्व करेंगे, पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 2.5 डिवाइड बाई 5 को सॉल्व करेंगे, बाकी सेम टू सेम आपने वही लिखना है। ठीक, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2.5 के लिए 25/10 और डिवाइडेड बाय 5, तो 5 के नीचे 1 मौजूद होते हैं, तो इसको कसर काटने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 1 ऊपर आएंगे 5 नीचे। ठीक, तो ये रूल आप याद रखेंगे, जब भी डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करनी हो तो अगले वाले जो फ्रैक्शन है उसको आप चेंज करेंगे, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से इसको कसर काटूंगा, 5 1 द 5 5 5 25 5 1 द 5 और नीचे 5 1 द 5 और 5 2 द 10, तो 1/2, यानी 1/2 मतलब आधा, 0.5 भी आप समझ सकते हैं, याद रखिएगा, या 1/2 करेंगे तो 0.5 आएंगे। ठीक, 5 2 द 10, तो ये आपका 0.5 आ रहे हैं, इसको डिवाइड करने के बाद 0.5। अब बाकी को आप सेम टू सेम वही एक दफ़ा लिखेंगे, लिखने के बाद सॉल्व करेंगे, साथ साथ आप सॉल्व नहीं करेंगे, दो टर्म जब आप सॉल्व करके ख़त्म करेंगे उसके बाद ही आपने अगले दो टर्म को सॉल्व करने के लिए नीचे से दोबारा से करना है। ठीक, तो यहाँ से मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, 9 प्लस आएंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो रफ पर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ मेन पेज पर इसको लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3 5 15 और 300 तो 1 के लिए था 1 और 0 5 0 0 0 0 इस तरह से लिखेंगे, प्लस करेंगे तो 5 आएंगे, यहाँ नीचे 1 और 0। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ एक डिजिट, यहाँ मतलब दो डिजिट के बाद आपने पॉइंट यूज़ करना है यहाँ। ठीक, तो 0.15 आएंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, 0.15। अब माइनस 1, प्लस को पहले सॉल्व करेंगे, अब प्लस करना है तो इसी में ही प्लस करते हैं, 9 पॉइंट के बाद 0 आएंगे, तो पॉइंट आप यहाँ यूज़ करके 0 2 0 लिख सकते हैं, ऊपर दो डिजिट है इसलिए। ठीक, अब इसको प्लस करना था तो 5 1.9 9 पॉइंट, इन दोनों को प्लस करने के बाद 9.15 आएंगे, माइनस 1 कर देते हैं तो इसमें से माइनस 1 यानी एक को निकाल दूँ तो एक के बाद 1 पॉइंट है ना, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आएंगे, 1 यहाँ आएंगे, 0 0 मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब माइनस करना है तो क्या करेंगे, 5 में से 0 निकालता हूँ 5, 1 में से 0 निकालता हूँ 1 और 9 में से 1 निकालता हूँ 8। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुके हैं, 8.15 ये आपका आंसर होंगे। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 1.6 डिवाइड बाई 0.04 प्लस 2.95। अब इसके लिए ये भी याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो 95 नहीं होंगे, 9 अलग और 5 अलग आप पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से आपने पहले किसको सॉल्व करना है, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.04 को आप पहले सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो इसके लिए रफ पे अगर मैं जाऊँ तो 1.6 के लिए मैं 16/10 लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाय 0.04 के लिए 0.4 करके डिवाइडेड बाय पॉइंट को हटा के 1 और 2 डिजिट है तो 2 0 यहाँ यूज़ करूँगा। ठीक, अब यहाँ से 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको नहीं पता हो तो लिखिएगा, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही आप नहीं लिखेंगे इसको। ठीक, अब यहाँ से कसर काटने के लिए मुझे क्या करना है, इसको ऊपर और इसको नीचे लेकर जाने है ताकि मल्टीप्लाई में आए और कसर काट सके, आप डिवाइड में रख के कसर नहीं काट सकते, अलबत्त इन दोनों को कसर काट सकते हैं, लेकिन इसको इसके साथ आप कसर नहीं काटेंगे। यहाँ से 10 1 द 10 10 10 द और 4 1 द 4 4 4 द, तो 10 10 के लिए हम 1 0 इस तरह से काटते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, तो 10 चौके 40/1 यानी 40 ही होंगे। अब मुझे क्या करना है, इसको दोबारा से लिखना है आपने एक दफ़ा सवाल को, फिर यहाँ इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 40 आ चुके हैं तो 40 ही लिखूँगा प्लस 2.95। अब किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। इसके लिए यहाँ 40 दिया हुआ है तो मैं यहाँ 0.48 करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा यकीनन, तो दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 0 0 आ चुके 32 और 0 0 होंगे, यहाँ से प्लस कर दूँगा तो 0
टू और थ्री, ठीक। अब पॉइंट एक डिजिट के बाद आएंगे यहाँ, तो इसका मतलब 32 होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो मैं यहाँ लिखूँगा 32 और प्लस 2.95, इसको आपने प्लस कर देनी है 2.95 के साथ। तो 32 को हम पॉइंट, यानी पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लिखना है। यहाँ 2 और 95 आगे आएंगे, 0 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं तो मसला नहीं है, प्लस करनी है आपने, माइनस में लाजिमा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो यहाँ से 5 हो गए, 9 हो गए और 4 हो गए और 3, तो इसका मतलब ये हुआ 34.95 इसका आंसर होंगे, ठीक। तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 13 / 5.2 प्लस 0.024 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 0.3। तो इसको आपने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप डिवाइड को करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए यहाँ से 13 / 5.2 है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 13 / 5.2 के लिए 52 आवर 10 लिखूँगा। अब 13 आवर 1 यहाँ है, तो इसके लिए मैं 13 आवर 1 लिखूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ 10 ऊपर आएंगे और 52 नीचे, समझ गए। अब आपने करना क्या है, कसर काटना है, तो 2 × 5 = 10, 2 कितना होंगे, 2 × 2 = 12, समझ गए, सॉरी 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, तो 13 × 13 = 26। और यहाँ से 5 × 5 और नीचे आएंगे 2 × 2, तो इस तरह से आपने डिवाइड करना है, ठीक। तो 2 को आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 × 2 = 4 और यहाँ से 1 आएंगे, 0 × 2.5 आएंगे, तो ये रहा आपके पास 2.5 इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। तो इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद 2.5 आ चुके हैं। अब आपने करना क्या है, इसको हर एक को दोबारा से एक दफ़ा लिख के फिर इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, ना कि यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो भी बेहतर है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आप लिख के दोबारा से आपने लिखना है, ठीक। तो यहाँ मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ, बाकी ये रफ पोर्शन है, इसको रफ करके आप लिखिएगा, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा इन दोनों को, 0, 2, 4 और 8, तो आज चुके 32 × 2 = 16, 17 × 8 = 19 और 8 × 0 = 1 को प्लस करेंगे 8 × 0 = 0, तो यहाँ से 1, 2, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 1, 2, 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट यूज़ करेंगे। बाकी आपने ऐसे ही लिखना है 2.5 प्लस और 0.192, इसके बाद प्लस 0.3, समझ गए। अब आपने यहाँ तीनों प्लस दिया हुआ है, तो 0.192 प्लस 0.3 प्लस और 2.5, तो तीनों प्लस है, तो मैं इसी के नीचे ही बाकी 2 को लिख के फिर प्लस करते हैं साथ में, ठीक। तो पॉइंट यहाँ है 2.5 के पॉइंट, आप इसी के नीचे लिखेंगे, 2 इस तरफ आएंगे, 5 इस तरफ, तो यहाँ से पॉइंट को बिल्कुल नीचे यूज़ करने के बाद 0 इस तरफ आएंगे, 3 इस तरफ, ठीक। अब आपने इन सब को प्लस करना है एक साथ, अगर आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस है मतलब आप एक साथ कर सकते हैं। यहाँ सारे 0 आप लिख सकते हैं, तो 2, 9, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ से 0 + 2 + 0 यानी 2, ठीक। तो इसका प्लस करने के बाद आपको आंसर मिले हैं 2.992, तो ये आपका फाइनल आंसर होंगे, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल आप देख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1/5 + 1 दिया हुआ है, इसके बाद बाहर डिवाइड बाय 2/5 + 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 - 4.2, ये बाहर दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, बोडमास मेथड के मुताबिक ब्रैकेट को आपने पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट का मतलब ये जो दो टर्म है ये प्लस में दिया हुआ है, फिर भी आपने इससे को ही सॉल्व करना है, ठीक। डिवाइड को आप पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी होंगे वो सॉल्व करने के बाद जब ये एक ही टर्म में आएंगे तब जाके ब्रैकेट को हटा के बाहर दोबारा से आप बदमाश यूज़ करके डिवाइड को पहले, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस को बाद में करेंगे। तो यहाँ से ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं डिवाइड में है, मतलब यहाँ 1/1 में लिख सकता हूँ, ये आपने एलसीएम लेना है। जब भी फ्रैक्शन के दो नंबर्स को प्लस माइनस करने हो तो एलसीएम लेने का मतलब 5 और 1 का एलसीएम होंगे 5, 1, 5, ठीक। तो यहाँ से ये 5 और 5, 5, 1, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएंगे,
और 1 5 द 5, तो 5 होंगे, 5 1 द 5, तो ये आपका 5 यहाँ लिखेंगे। तो इसके लिए आपने ये याद रखना है कि यहाँ जो भी होंगे इसको आपने इसके साथ डिवाइड करना है, और 5 जो भी आंसर आएंगे उसको ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है असल में। तो ये आप, तो इसके लिए आप टेबल का यूज़ करके 5 1 द करके 1 को इसके साथ, 1 5 द करके 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हैं। बाकी आपने सबको ऐसे ही लिखना है, 2 आवर 5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 और -4.2। तो ये आप मल्टीप्लाई यहाँ एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो बेहतर है। ठीक, जब एक ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कन्फ्यूजन ना होने की वजह से आपका आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। अगर साथ साथ करेंगे तो कन्फ्यूज होके कभी कभार आपका आंसर गलत भी आ सकते हैं। तो इसको पहले ख़त्म कर दें, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ से 6 आवर 5 में लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय 2 आवर 5 में लिख सकता हूँ, फिर इसके बाद +1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 -4.2। समझ गए, अब डिवाइड में है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 5 ऊपर आएंगे 2 नीचे। तो ये इसके बाद बाकी सब ऐसे ही आपने लिखना है जो दिया हुआ है उस हिसाब से। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 1 द 2, 2 3 द 6, 5 1 द 5, 5 1 द 5, तो इसका मतलब 3 1 द 3 आ चुके हैं। 1 1 1 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1.5 मल्टीप्लाई बाई 3 -4.2। समझ गए, अब आपने यहाँ से दूसरा जो है मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप करेंगे क्या, 1.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रफ पर, यहाँ 5 15 3 3 और 1 कैरी था 4, तो पॉइंट एक डिजिट से पहले आप यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 4.5 आ चुके हैं आंसर। ठीक, तो इसके बाद -4.2, अब प्लस को सॉल्व करना है, तो 4.5 प्लस 3, आप 3 को पे नीचे लिख सकते हैं, 3.0 आप लिख सकते हैं। ठीक, पॉइंट यहाँ है ना इस नंबर के, तो प्लस करेंगे 5 आएंगे 7, सॉरी प्लस करने के लिए प्लस का साइन यूज होना चाहिए था, 4 5 6 7, तो 7.5 आ गए इन दोनों को प्लस करने के बाद। अब माइनस बचा है, तो माइनस करने के लिए यहाँ से दोबारा 0.2 आगे है 4 यहाँ, तो माइनस कर देते हैं, 5 में से 2 निकाल दूँ 3, 7 में से 4 निकाल दूँ तो दोबारा 3, तो इसका मतलब ये हुआ 3.3 आपका आंसर आ चुके हैं फाइनल। समझ गए, इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 3 और 5 प्लस 9.5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 +4.2 -3.4, तो इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो आपने करना क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी सबको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। ठीक, तो इसको 25 मल्टीप्लाई बाई, हाँ अलबत्त अगर ये अलग दो टर्म हो, ये अलग हो, तो इस सूरत में आप इसको भी साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे 5 15 7 लिख के, फिर बाद में प्लस करना है। ठीक, तो ये इस तरह करने से जल्दबाजी में आपका आंसर गलत हो सकते हैं, तो इसके लिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसको एक दफ़ा लिखे सॉल्व करें। तो यहाँ से 4.2 3.4, तो माइनस कर देंगे 12, इसको एक देंगे, यहाँ 3 होंगे जब एक देंगे, तो 12 में से 4 निकाल दूँ 8, तो 0.8 होंगे जब आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो बहुत मास रूल के मुताबिक तो 0.8 हो गए। अब आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो 5 1 द 5 5, 5 5 25, 5 15 आ गए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 9.5 और माइनस करने के बाद 5 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसके बाद +0.8। समझ गए, अब आपने प्लस को सॉल्व करना है, तो प्लस को सॉल्व करने के लिए 3 टर्म्स दिया हुआ है, एक 15 है आपके पास, 15.0 में लिख सकता हूँ क्योंकि आगे पॉइंट के बाद भी नंबर दिया हुआ है, अब 0.9.5 होंगे और 0.8, तो इन तीनों को साथ प्लस करते हैं, तो 8 9 10 11 12 13, और यहाँ से 15 और 9 कर देंगे तो 24, और एक कैरी था तो 25। समझ गए, तो ये 25.3 आ गए तीनों को प्लस करने के बाद। अब माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए 15 यहाँ लिखेंगे, 0.0 आप लिख सकते हैं, 3 में से 0 निकाल दो तो 3, और यहाँ से 0 और 1, तो 10.3 आपका आंसर होंगे लास्ट में फाइनल जो
सिंपलेस्ट हो के आपको मिले हैं वो यही होंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।